कैसे भी हो सकता है, हमारी सरकार वह कार्य करेगी और इस बात का आश्वासन देने के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके बीच यहां पर आया हूं। मैंने उस समय भी देखा था जब मैं हसनपुर में आया था चुनावी सभा में, यही अपार उत्साह था आपके बीच में और आज भी यही उत्साह सबका मुझे देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों मुझे देर हुई, आज प्रातः मुझे जैसे ही मैं यहां के लिए आने के लिए तैयार हुआ, एक दुखद घटना उत्तर प्रदेश के एकदम पूर्वी छोर पर कुशीनगर जनपद के अंदर घटित हो गई। एक स्कूली ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई, 13 बच्चों की दुखद मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो मैंने उचित समझा कि पहले मैं वहां पर जाकर के राहत कार्यों को तेज करवा दूं और फिर चूंकि मुझे आज रात्रि भर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लगभग 21,000 उन गांवों का चयन किया है जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी सर्वाधिक है, उन गांवों को पहले चरण में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभार्थी परक योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करना है। इसके लिए चाहे वहां जनधन अकाउंट खोलना हो, चाहे वहां पर उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन काटने का हो, चाहे सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का हो, चाहे वहां पर आवास की योजना का उपलब्ध कराने का हो या फिर प्रत्येक परिवार के पास व्यक्तिगत शौचालय का मामला हो या फिर वहां पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टैंड अप के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए कार्य करने का हो, प्राथमिकता के आधार पर इन सभी गांवों को 5 मई तक संपूर्ण रूप से आच्छादित करना है और फिर अन्य गांवों में भी इसी प्रकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस दृष्टि से आज मैं रात्रि के लिए आपकी के इस जनपद में रुकने के लिए भी आया हूं। भाइयों बहनों आप सब जानते हैं आपने 2014 में इस देश के अंदर एक परिवर्तन किया, एक यशस्वी और तेजस्वी नेतृत्व देश को दिया। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और उभरता हुआ भारत इस देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है और इसीलिए हम सबका दायित्व है हमारा देश जिन कारणों से समृद्धि की ओर बढ़े, आम जीवन आम नागरिक के जीवन में जिन कारणों से हम खुशहाली ला सकते हैं, जिन कारणों से हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, देश का सर्वांगीण विकास के मार्ग प्रशस्त हो, इस प्रकार की योजना को आगे बढ़ाने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ती है हम सबको प्रगतता के साथ पूरे समर्पण भावना के साथ आगे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को अपने आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और इसके 21,000 गांव में शासन की योजनाओं के क्रम में आज मैं आपके अमरोहा जनपद में आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरा कार्यक्रम हसनपुर में लगाया, मैं तब भी आया था तब भी मैं नाम से चौंक रहा था और मैंने सभी बात को कहा था, मैं तब भी इस बात को कहता था और उस समय भी मुझे आश्चर्य होता था बहुत सारे लोगों को इस नाम से भय होता है लेकिन हम लोग भयभीत होने वाले नहीं है। हम लोगों ने तब भी कहा था कि हम लोग विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएंगे, हम किसी व्यक्ति किसी जाति किसी परिवार किसी मत और मजहब का तुष्टिकरण करने के लिए नहीं
बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए उस नागरिक को भी जनार्दन के रूप में उसकी सेवा करने के लिए हम लोग आए हैं और इसके शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव हम नहीं होने देंगे। और आज यही कारण है, मुझे देखकर के आश्चर्य हो रहा था, जब हम लोगों ने फसल ऋण माफी का कार्यक्रम किया तो मैंने पूछा यहाँ के कार्यकर्ताओं से, मैंने कहा क्या अमरोहा जनपद के भी किसानों का फसल ऋण माफ हुआ है? मुझे प्रसन्नता है कि 48,000 से भी किसानों का फसल ऋण का माफ होने का कार्य अमरोहा जनपद के अंदर भी हुआ है। बड़ी संख्या में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन यहाँ वितरित हुए, बड़ी संख्या में राशन कार्ड बनाने की कार्रवाई हुई, विद्युत कनेक्शन देने के कार्य हुए, गरीबों को आवास देने के कार्य हुए। और अमरोहा जनपद तो वैसे भी इसमें हमारे लिए पवित्र है, एक ओर गंगा मैया का आशीर्वाद से प्राप्त होता है और दूसरी तरफ जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो वास्तव में अपनी योजना को अगर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाना होता है तो बिना ढोलक के नहीं हो सकता, और वहां की पहचान तो ढोलक से ही होती है। हम लोगों ने जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को आगे बढ़ाया तो मैंने सेब से कौशिक से पूछा, मैंने कहा भी बताओ अमरोहा का क्या है? उन्होंने कहा ढोलक है। और भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो लोग इस उद्यम को अपने परिश्रम से आगे बढ़ाते थे, जिन्होंने अपना पसीना बहा करके अमरोहा को एक पहचान दी, मैं हम सबको आश्वस्त करके ले आया हूं हमारी सरकार उनके इस उत्पाद को ब्रांडिंग करने के लिए धनराशि देने को तैयार है और भरपूर धनराशि हम लोग देंगे जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो सके आपकी इस ब्रांड को। और हम लोग इसीलिए आपके पास आए हैं तमाम योजनाओं को लेकर के, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। आपने देखा होगा, मुझे देख के आश्चर्य हो रहा था, तो कहते थे कि गन्ना किसानों का गन्ना कैसे होगा, चीनी में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हमने कहा देखो, जब तक किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी में हम लोग चलाएंगे, किसी किसान को निराश नहीं होने देंगे। उसी तट पर जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। आवश्यकता अगर हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, भारत को खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ाना है, भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है, ये जाति के नाम पर बांटने वाले तत्वों को दरकिनार किए जाने की आवश्यकता है। जातिवाद की राजनीति इस देश को कमजोर कर रही है, इस प्रदेश को कमजोर कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट अगर आया तो पहचान का संकट इसलिए आया कि जाति के नाम पर जो लोग बांटते थे, इन्होंने जातिवाद के आधार पर जो दुष्भमन किया है उसके कारण इन्होंने अपने परिवार को तो खूब भ्रष्टाचार के माध्यम से खूब संपत्ति अपने परिवार के लिए अर्जित की, लेकिन प्रदेश के आम नागरिक को इन्होंने बदहाल कर दिया। आज प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है, आज प्रदेश का किसान बदहाल था, प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित थी, प्रदेश में कहीं भी कोई ठोट ठिकाना नहीं, बाहर जाता था लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आठ दोस्त करते थे, मेरे उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं आज एक वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबने आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और पिछले एक वर्ष से हमारी सरकार है। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मोहल्लों में, बहुत सारे कस्बों में प्लान होता था, क्या हमारी प्लान करता था, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। आज मैं कह सकता कोई प्लान नहीं करेगा, अपराधी प्लान करेगा उत्तर प्रदेश से, लेकिन उत्तर प्रदेश का नागरिक उत्तर प्रदेश का व्यापारी प्लान नहीं करेगा। बहन और बेटियों की सुरक्षा
साथ किरदार करेगा, कानून बड़ी सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य करेगा। ऐसे तत्वों के साथ सख्ती के साथ निपटने की कार्रवाई के लिए ही हम लोगों ने आगे ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। पहले जगह जगह अवैध भूखंड थाने संचालित होते थे, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा 24 घंटे के अंदर अवैध भूखंड थाने बंद होने चाहिए, और हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर उन्हें बंद करवा करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि कानून का राज कैसे होना चाहिए, कानून का राज किस रूप में होना चाहिए, आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और आज उसी का परिणाम है, जब नियत साफ हो, आम जनता के लिए कुछ करने का जज्बा हो, जनहित के लिए बिना भेदभाव के अपनी नीतियों को लेकर के सामने आ जाए, कोई कारण नहीं कि आप जनमानस को हम योजनाओं से लाभान्वित न कर सके। भाइयों बहनों, पिछले 1 वर्ष के दौरान आपने विद्युत वितरण की व्यवस्था को देखा होगा, पहले बिजली नहीं आती थी, 4 जिलों में बिजली मिलती थी, 71 जिले विद्युत से वंचित होते थे। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक विषमता के खिलाफ आवाज उठाई थी, और आज राजनीतिक विषमता के खिलाफ हमारी सरकार आवाज उठाएगी, और विद्युत वितरण की एक समान व्यवस्था पूरे देश के अंदर हम लोगों ने किया, जिसमें जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 19 से 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 17 से 18 घंटे की विद्युत की वितरण की व्यवस्था हम लोगों ने की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभी आपके माननीय सांसद जी कह रहे थे कि उन्होंने 1800 गांवों का विद्युतीकरण यहाँ पर किया है, और मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 1 वर्ष के अंदर 55,000 से अधिक मजदूरों तक हमारी सरकार ने विद्युत पहुंचाने का कार्य किया है। पिछले 1 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए 11 लाख से अधिक आवास प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाए हैं, 36 लाख से अधिक शौचालय उपलब्ध करवाए हैं, 40 लाख से अधिक लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। एक बृहद योजना के अंतर्गत चलाने का कार्य हुआ है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे किसान फसल पैदा करता था, उसकी फसल को कोई लेने वाला नहीं था, लोग परेशान होते थे, उसको हर प्रकार से वंचित रखते थे, लेकिन आज मैं आपको इस बात को कह सकता हूँ, कल तक हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर 16 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से सीधे करने का कार्य किया है, 1745 रुपए प्रति क्विंटल के साथ हम किसान को दे रहे हैं, और पूरे 30 जून तक हम गेहूं क्रय केंद्र पूरे प्रदेश के अंदर 5500 स्थानों पर स्थापित करेंगे। अगर किसानों के साथ कोई भेदभाव करेगा तो उसकी जगह जेल होगी, जेल, जेल के अलावा कोई और जगह नहीं छोड़ेंगे। आज हम नौजवानों के लिए नौकरी लेकर के आए हैं। मैं देख रहा था चुनाव के दौरान, हम चुनावी सभा करने के बाद जब सड़क मार्ग से चलते थे, देखते थे नौजवान सड़कों पे दौड़ लगाता था, मैं पूछता है नौजवान क्यों दौड़ रहा है, गांव के लोगों से पूछता था, उनके मन में एक हताशा होती थी कि नौजवान भर्ती होने के लिए दौड़ तो लगा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने सपा या बसपा रहेगी तो उनको जगह नहीं मिल पाएगी। आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश का हर नौजवान पुलिस में भर्ती होने के लिए हम लोग एक